हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। चलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ब्राउनी की वो रेसिपी, मतलब आप जो परफेक्ट ब्राउनी की रेसिपी ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं और आपको मिल नहीं रही, तो यही है वो वाली रेसिपी। मतलब टॉप का टेक्सचर देख लो, सेंटर का टेक्सचर देख लो, वर्ल्ड क्लास ब्राउनी बनकर रेडी होती, बिलीव मी। मतलब बना कर देखना, मेरी बात पर विश्वास मत करो, बना कर देखना, आप मतलब फ़ैन हो जाओगे इस ब्राउनी की रेसिपी की। तो चलिए, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है, कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ मुझे खुद नहीं पसंद है, और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई, तो इसे ज़रूर से ट्राई करना। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बेकिंग टिन, तो ये 8x8 inches का बेकिंग टिन है, आपके पास छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद उसे हम लाइन कर देंगे, तो लाइन करने के लिए मैंने बटर पेपर यूज़ किया है। अच्छा, लाइन करने के लिए देखो तरीका देख लो, थोड़ा सा बड़ा रखना है साइड साइड से, क्योंकि आप उसको जब लिफ्ट करके निकालो ना ब्राउनी को, तो आराम से निकल जाए, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बाहर रहना चाहिए, ठीक है। और मैंने नीचे भी हल्का सा बटर लगा दिया था, और इसके बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा, मैं बटर से या ऑयल से किसी से भी ग्रीस कर दो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले इसको आप रेडी करके रख लो, केक बनाओ ब्राउनी बनाओ, सबसे पहला स्टेप यही है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम सबसे पहले अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अब चॉकलेट और बटर दोनों को मेल्ट करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम्स के दो बार लिए हैं, 200 ग्राम्स चॉकलेट है पूरी। मैं सारा मेजरमेंट आपको ग्राम्स में भी सबटाइटल्स में दे दूंगी, आप देखते रहना, ठीक है। अगर कप में मेजर करो तो ये करीब 1.5 कप चॉकलेट है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। इसमें डालेंगे हम बटर, तो 100 ग्राम्स में सॉल्टेड वाला बटर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर अनसॉल्टेड है तो बाद में रेसिपी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेना, करीब 1/4 teaspoon, ठीक। और उसके बाद अब इसे हम मेल्ट करेंगे। आप माइक्रोवेव पे भी मेल्ट कर सकते हो, माइक्रोवेव में मेल्ट कर लो, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ ये डबल बॉयलर में, इसे डबल बॉयलर मेथड कहते हैं। नीचे मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, पर ध्यान रखना पानी उसको टच ना करे, स्टीम आनी चाहिए मतलब बर्तन के पास। और उसके बाद जैसे जैसे पानी बॉयल होगा ना, ये धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू हो जाएगा इसमें। अच्छा, कोई टाइम का ऐसा भी नहीं है कि ये 2 मिनट में ही मेल्ट हो जाए, कभी 5 मिनट में मेल्ट होगा, कभी 7 मिनट्स में मेल्ट होगा, तो आराम से धीरे धीरे अपना मेल्ट कर लेना। सबसे पहला यही प्रोसीजर है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब आराम से उसका चलाते जाओ केयरफुली, बर्तन ऊपर ऐसे रखा हुआ है उसका भी ध्यान रखो, आराम से धीरे धीरे करके ये देखो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा जो आपका इसमें ग्लेज आएगा ना, देखो कितनी शाइनी सा ये मिक्सचर बन करके रेडी हो जाएगा, चॉकलेट और बटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया। देखो अंदर से बिल्कुल कोई लंप नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली मेल्ट हो गया है। बस ये देख रहे हो आप कितना ग्लॉसी लग रहा है ना, तो बस आपने गैस ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा हो जाने के लिए रख देना है। तो हल्का सा ठंडा होने के पहले ना इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिक्स कर देना, जिसमें थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। देखो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिक्स करते रहोगे ना तो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इसे हम रख देते हैं साइड में और अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब अपने ओवन को भी प्री हीट करने पर लगा दो 175 डिग्रीज पर 10 मिनट के लिए। और अब हम ले लेंगे एक बड़ा बोल, उसमें डाल रही हूँ मैं 2 अंडे। तो ये ब्राउनी मैं जो है बना रही हूँ अंडों के साथ में, और साथ में डालेंगे इसमें शुगर। तो मैंने 1/4 कप वाइट साबुत जो दाने वाली शुगर होती ना वो ली है, साथ में 2 बड़े चम्मच और 2 टेबल स्पून, ठीक। अब डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर उतनी ही, सेम 1/4 कप प्लस 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप पूरी की पूरी अपनी वाइट शुगर ही डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है तो आप ये विस्क से बीट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से मिक्स कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको फेंटने के लिए अपने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी देर तक फेंटना है, जिसमें से बढ़िया सॉफ्ट फ्लफ़ी सा एक मिक्सचर, जो जितना बढ़िया ये फ्लफ़ी सा मिक्सचर बनकर रेडी होगा ना, उतनी ही बढ़िया आपकी ब्राउनी बनेगी, अंदर से जो टेक्सचर आएगा ना, क्योंकि ये अंडों के साथ बन रही है, इसमें हम ना कोई बेकिंग सोडा डालेंगे ना बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये एग्स के साथ बन रही, तो एग ही इसको राइज करेगा, एग के आपको इसमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, ये बढ़िया तरीके से अब इसमें फिर से मिक्स कर देंगे। मतलब रेसिपी आप देखोगे बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई इसमें स्टेप्स करने ही नहीं है, बिल्कुल। देखो थोड़ी देर मैंने बस मिक्स किया, कितना फ्लफ़ी सा मिक्सचर लग रहा है ना, पहले देखो ऐसा कलर का था, बाद में कलर भी चेंज हो गया। और अब हम डाल रहे हैं जो अपना चॉकलेट का, हमने चॉकलेट और बटर का जो मिक्सचर बनाकर रखा था ना, उसे आपने धीरे धीरे करके पूरा ऐड करना। हल्का गुनगुना है इस समय में, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और ये देखो मैंने पूरा का पूरा अच्छे से, मतलब वेस्ट क्यों ही करना है, अच्छे से आप पूरा अच्छे से निकाल के डाल दो, जो स्पून में लगा हुआ है, स्पैचुला में लगा हुआ है, सब निकाल के बढ़िया तरीके से डाल के, और फिर इसे हम
बीट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, मतलब एक मिनट के लिए बस खाली आपने मिक्स कर लेना है और हमारा जो ये बढ़िया से चॉकलेट अंडे शुगर का जो मिक्सचर है ना बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको बिल्कुल वो रेसिपी बता रही हूँ ऑथेंटिक वाली, इसलिए मैंने इसमें ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो पूरी की पूरी आप वाइट शुगर ही ऐड कर सकते हो। मतलब अगर दोनों को ऐड करके देखोगे ना तो वाइट शुगर में आपके पास करीब होगी आधा कप प्लस 4 बड़े चम्मच। ये परफेक्ट मीठी थी, मतलब अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो अपने अकॉर्डिंग शुगर थोड़ी सी बैलेंस भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 चम्मच कम डालो, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब हम इसमें मैदा वगैरह ऐड करेंगे। पहले बढ़िया तरीके से साइड से सब स्क्रैप कर लिया मैंने। अब ले लिया है मैंने एक छन्नी, तो छन्नी में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप मैदा। 3/4 कप मैदा है, देखो कप का साइज़ देख लो, 3/4 कप है ये मैदा। और डालेंगे साथ में हम कोको पाउडर, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, करीब मैंने डाल दिया है 1/4 कप, ठीक है। और बढ़िया तरीके से छान लो, कोई लम्स वगैरह हो तो ऐसे ऐसे करके कर दो तो बस बिल्कुल बढ़िया तरीके से छन जाएगी। ये सब मैंने बढ़िया तरीके से झाड़ लिया है। अब आपने इसको बस खाली मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो ब्राउनी का मिक्सचर होता है ना, बैटर जो, वो थोड़ा सा थिक ही रहता है, केक जैसा नहीं होता बिल्कुल, तो इसलिए ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप वॉलनट्स ऐड करना चाहते हो तो वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हो क्रश करके। मैंने आपको वॉलनट रेसिपी, जो वॉलनट्स के साथ ब्राउनी बनती है, मैंने उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। मैंने होल व्हीट ब्राउनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है, आई बटन में दे दूंगी ऊपर, आप चेक कर लेना। एगलेस ब्राउनी की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। आज मैंने एग वाली बनाई है, तो ये भी ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। तो बढ़िया हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, रेसिपी आसान थी ना, कुछ भी ऐसा नहीं करना था। बस आपने चॉकलेट बटर को मिक्स किया, उसके बाद आपने अंडे फेंटे, सारी चीज़ें मिलाई और बस ये जा रही है हमारी। और हमारा ओवन भी ना बढ़िया गर्म हो चुका है। अगर आप इसे विदाउट ओवन बनाना चाहते हो तो आप कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हो। कढ़ाई में पहले कढ़ाई को नमक डाल करके प्री हीट कर लो, फिर एक स्टैंड रख दो, उसके बाद इसे आप कढ़ाई में प्लेस कर दो। कढ़ाई में भी जैसे नॉर्मल मैं इसको 30 मिनट के लिए बेक करूँगी, कढ़ाई में आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। ये देखो रख दिया है मैंने, बस इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। और देखना इसकी, मतलब इसका टॉप देखना, हर एक चीज़ का टेक्सचर देखना, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे बेक करेंगे हम 175 डिग्रीज पे करीब करीब 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद भी आप चेक कर लेना, 30 मिनट्स में ऐसे मेरी बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गई थी, लेकिन ओवन टू ओवन भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो हो सकता है आपके उसमें ओवन में 35 मिनट्स लग जाएँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, देखो परफेक्ट बेक हो गई ना, तो बस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो इसे हम डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए आपने साइड से बस खाली इसको लिफ्ट करना है और निकाल लेना है ध्यान से। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने, ये देखिए ठंडी हो गई है, इसका ऊपर का टॉप देख रहे हो कितना बढ़िया क्रिंकल टॉप आया है, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, उस तरफ से मेरे जो पेपर था ना, उस तरफ से साइड से नहीं लगा, दो ही साइड से लगा हुआ था, इसलिए मैं हल्का चाकू से ना उधर उधर साइड से देखो ऐसे कर रही हूँ। आप चाहो तो चारों तरफ भी ऐसे लगा सकते हो पेपर अच्छे से, कि आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये देखो मैं इधर से साइड से थोड़ा सा इसको ऐसे लिफ्ट करूँगी और इधर साइड से थोड़ा धीरे धीरे आराम से, क्योंकि अभी मेरी ब्राउनी ना थोड़ी सी गर्म है, तो आराम आराम से करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से। धीरे से इसको ऐसे लिफ्ट करते हुए निकल, ये देख लो साइड साइड से बटर पेपर जो है ना, इसको मैंने उल्टा कर लिया है ऐसे बोर्ड पे, और उसके बाद ही धीरे से बटर पेपर निकाल दो पूरा का पूरा, और फिर इसको हम कर लेंगे सीधा। ये देखो टॉप का टेक्सचर देखो, बिल्कुल ब्राउनी का टेक्सचर है। केक और ब्राउनी में बहुत फ़र्क होता है, मतलब केक को आप ब्राउनी नहीं कह सकते, दिस इज़ कॉल्ड ब्राउनी। तो एक बार बना कर देखना, आपको टेस्ट और टेक्सचर दोनों में जो फ़र्क है ना वो समझ में आएगा। अब ऐसे मतलब अब आपके ऊपर है, इसको इक्वल पोर्शंस में कट करो, छोटे बड़े पोर्शन जैसे आपका मन करे वैसे कट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको इक्वल पोर्शंस में कट करूँ। अच्छा, कट करने के लिए ना आप चाकू को थोड़ा सा गर्म कर लेना, ठीक है, तो आपका आराम से कट हो जाएगा। ये मतलब बिल्कुल आपके लिए टिप है एक, तो चाकू को हल्का सा गैस पे आगे की जो एज होती है ना उसको गर्म कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट होती है, तो जब आप चाकू को तो हल्का सा गर्म कर लोगे ना तो बिल्कुल एक जैसे क्लियर सी कट आती ना, बिल्कुल वैसे कट आएंगे इसमें। ये देखो, और जिस दिन बेक करो कोशिश करो अगले दिन कट करने की, लेकिन मेरे घर में किसी के पास तो पेशेंस नहीं है, सब मतलब खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से अभी से ही कट कर दे रही हूँ। ये देखो, तो इस समय ये बिल्कुल अंदर से ना गर्म भी है थोड़ी सी और सॉफ्ट भी है, तो मैं बहुत ही केयरफुली इसको काट रही हूँ। और ये देखो,
मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ अभी, कितनी बढ़िया लग रही है ये। ये देखो है ना, अंदर का टेक्सचर देखो कितना मस्त टेक्सचर आया है। ऊपर से टॉप देखो, मतलब ये है ब्राउनी का परफेक्ट टेक्सचर। इसको गर्मा गर्म सर्व करो। अगर आपने जैसे आपने रख दिया तो अगले दिन इसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेना, बिलीव मी, मतलब आपको अलग ही लेवल पे ले जाता है ब्राउनी का टेस्ट। और चाहे तो आप इसे आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म ब्राउनी विद ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तो वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसके बाद आपको कोई और रेसिपी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं रेसिपीज़ एट रैंडम के नाम से। इसे ज़रूर से बनाना, फीडबैक में था ज़रूर से शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी ब्राउनी ऐसे ही परफेक्ट टेक्सचर वाली बनी कि नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी चीज़ें शेयर करना। खाओ पियो एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।